स्वागत है तुम्हारा आज की से खुड़ी पबजी मोबाइल की गेम प्ले वीडियो में। और आज की इस वाली वीडियो में हम जा रहे थे जॉर्ज बोले, और इस वाली वीडियो में भाई हम गए एक बंदे की फ्लैट लूटने। तो तुम ध्यान से सुनना, हम जब उसकी फ्लैट लूटने गए ना तो हमने उसके ऊपर रश करा और भाई हमने उसे नोक करके छोड़ दिया। भाई वो बंदा ओल पे गाली देने लगा और मेरे में कि भाई उससे लड़ाई बच गई, मतलब गालियों गालियों की, वरना एक दूसरे के घर जाके तो मार नहीं सकते। तो भाई ये गालियों से लड़ रहे थे और वो बहुत तगड़ा सीन था। अभी वाला सीन जो है भाई तुम्हें आगे देखने के लिए मिलेगा, पर तुम्हारे भाई को भी यहाँ पे दो गन मिल चुके हैं, जिनमें से कि एक है भाई बाइजन, एक है बैरिल। और चलो यहाँ पे बंदे पेलते हैं। सबसे पहले मैं इधर एक बंदा नोक करता हूँ, और इसका टीममेट यहाँ था। नहीं भाई, लोंडे को 100 RP वाले कपड़े तो मिल गए थे, मजाक नहीं उड़ाना, पर भाई बेचारे को गन नहीं मिली थी। और इस वाले सीन के लिए भाई लाइक जरूर कर देना। इनमें से एक बंदा भाई नंगा धड़ंगा घूम रहा था। ये नंगे बंदे पता नहीं क्यों आ जा भाई कपड़े कुपड़े पहन के आ करो, किसी की माँ बेटी भी यहाँ पर गेम खेलती होगी भाई, खेलती होगी क्या, खेल लें। ये जो यहाँ पे 4-5 बंदे उतरे थे भाई, इनकी सबकी मैंने पेटी बना दी। इन बंदों को मारने के बाद भाई मेरा ध्यान था सीधा सामने वाले बंदों पे, जो कि वेयर हाउस में भाई बिल्कुल गंदे तरीके से लड़ रहे थे एक दूसरे के। भाई उन्होंने ईंट पत्थर बजरी पता नहीं भाई क्या क्या मार रखा था। अब मैं जो है वेयर हाउस की साइड आता हूँ भाई, 2-3 नेट जितने भी होते हैं भाई मैं पत्थर की तरह सीधे वेयर हाउस में बरसा देता हूँ, और भाई उसमें कोई भी नहीं मरता। यहाँ पे तो बेचारा एक ही बंदा था, अगर 2-3 बंदे होते तो शायद से एक आधा मेरे नेड में नोक भी हो जाता। अब इस बंदे को मैं मार देता हूँ, बाहर एक बोट घूम रहा था पर मैं जो है भाई इतना हरामी, मतलब रियल बंदे के सामने से बोट का किल चुरा लिया था। वो रियल बंदा भाई मेरी ताक में था और मैं उसकी। रोज जब भी भाई मैं पबजी मोबाइल खेलने के लिए अपना आईपैड उठाता हूँ तो भाई मैं सिर्फ भगवान से एक ही चीज़ कहता हूँ कि आज मेरे सामने कोई शॉटगन वाला बंदा ना आए, क्योंकि वो मेरी पेट्टी बनाने में मिनट नहीं लगाने का। अब ये जो शॉट गन है ना भाई, इतनी बेटी चोद गन है ना, मतलब अगर दूसरे बंदे के हाथ में होगी तो भाई तुम एक गोली में खत्म हो, मतलब मान लो मेरी बात तुम खत्म हो। और उसी की जगह अगर भाई ये तुम्हारे हाथ में होगी ना तो सामने वाले के तुम 3 गोली मार लो, 4 मार लो, भाई नहीं मरेगा बंदा, पर तुम्हारे सामने वाला एक ही शॉटगन मारेगा तो तुम खत्म। फिलहाल मैं और मेरा टीममेट पूरा का पूरा जॉर्ज पुल क्लियर कर देते हैं, और भाई हम धड़ आराम भी, हमें किसी की फ्लेयर दिख जाए हम छोड़ते नहीं। हम आ चुके थे यहाँ पे फ्लेयर पे, पर वो बंदा भाई फ्लेयर लूट के इधर की तरफ को आ गया था। अब तुम यहाँ पे देखना ये फ्लेयर वाला बंदा भाई कितना ज़्यादा टॉक्सिक था, और मेरा टीममेट भाई इससे ज़्यादा टॉक्सिक, मतलब इन दोनों में भाई ओल पे ऐसी लड़ाई बजी, मतलब मुझे तो भाई देखने में मज़ा ही आ गया। फिलहाल मैं जाता हूँ पुश करता हूँ और नोक हो जाता हूँ। और बस अब देखना यहाँ पे क्या होगा। पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी, तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था, हाँ कौन था, मैं थी। गाली दे रही हो, मत मार इसको, अब भोसड़ी के लौड़े मादरचोद, अरे हराम कोरते एमसीटी का, तेरी माँ की चूत, रंडी का बच्चा, तेरी माँ की चूत दो बार, तेरी माँ की चूत दो बार, तो पैदा हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, दम लो, चीज़ें, काली बेटा, मुड़ी के, माँ की चीज़ तेरी।
तेरा नहीं है, तेरा भाई मेरे में जो है फूक गया था इस बंदे से, किलस गया था, बिल्कुल पागल हो गया था भाई। ऐसी गंदी गंदी गाली थी मेरे में, ऐसे मतलब मजा ही आ गया भाई। वो तो सुन के एकदम नेक्स्ट लेवल चीज थी। अब यार चलो उस टॉक्सिक बंदे को भी तो भाई मैं किसी ना किसी तरीके से चलो भूल भी जाऊं, पर इन बंदों को भाई मेरे पे नहीं बुलाया जाएगा आज के बाद। ये बंदे होली के कलर वाली डासिया में बैठ के अपने आप को पता नहीं क्या ही समझ रहे थे। सलमान खान भैया बिल्कुल लाए और ठोक दी। अब ला के ठोकोगे भाई हमारी गाड़ी में तो भाई पेट्टी भी तुम्हारी उतनी ही जल्दी बनेगी जितनी जल्दी तुमने ला के ठोकी थी। अब फिलहाल इन बंदों को मारने के बाद हम हील करते हैं और भाई यहाँ पे एक और टीम आ जाती है। वो टीम जो है भाई यूएस लेके आती है और मैंने भाई उन बंदों के अंधा डैमेज दिया था, पर मैं कोई बंदा नोक नहीं कर पाया, तो भाई मुझे बहुत ही ज्यादा गलत वाली सैड फीलिंग थी यहाँ पे। अब यार लिटरली बता रहा हूँ मैंने इन बंदों के बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था। वो तो भाई मेरी M4 पता नहीं कैसे रिलोड पा गई, और डैमेज जो है ना यार सिर्फ एक ही बंदे के नहीं हुआ था, दोनों के हुआ था, तो कोई नोक भी नहीं हुआ। और वो बंदे भाई इतने ज़्यादा हरामी थे, हील वगैरह करने के लिए रुके भी नहीं, वरना दूसरी कोई टीम होती है दूसरे कोई नॉर्मल से बंदे होते तो भाई वो रुक भी जाते, पर वो बंदे रुके ही नहीं। अब जब वो बंदे अपनी गाड़ी वगैरह नहीं रोकते तो भाई हम घूमते घूमते पोचिंकी में आ जाते हैं, और पोचिंकी के स्क्वाड हाउस पे भाई हमें यहाँ पे ये कांड हुआ हुआ दिखता है। मैंने कहा भाई यहाँ पे किसने इतनी तबाही मचा दी। जब मुझे यहाँ पे जली हुई गाड़ियाँ दिखती हैं तो मुझे लगता है कि यार यहाँ पे हाँ बंदे बुंदे तो होंगे ही, और क्रेट भी भाई बहुत सारी पड़ी थी, पर यहाँ पे एक बंदा नहीं था। यहाँ पे भाई बंदे पार्टी पुर्टी करके पहले ही चले गए थे। तो हम आते हैं भाई पोचिंकी के बान हाउस पे और यहाँ पे हमें बंदे मिल जाते हैं। अब ये बंदे भी जो है भाई पन्नी पुन्नी फूक के खेल रहे थे, मैं तुम्हें सच बता रहा सस्ते नशे थे बिल्कुल। यहाँ पे देखना हमने इन पर पुश करा और भाई एक बंदा विंडो से कूद गया। चलो मान लिया इस बंदे ने तो पन्नी फूक रखी थी, पर भाई इसके ऊपर वाले टीममेट ने कौन से नशे कर रखे थे। अब जो इसका दूसरा बंदा था ना भाई वो इतना ज्यादा बेटी चोद, मतलब खिड़की से देख रहा नीचे अपने बंदे की पेट्टी बनती हुई। अब इन बंदों को मैं और मेरा टीममेट तो इजीली मार देते हैं। अब बारी थी भाई कुछ और बंदों को मारने की, और वो बंदे हमें इस वाले कंपाउंड पे मिले। यहाँ पे बिल्कुल एकदम टट्टी ड्राइविंग करके भाई मैं गाड़ी रोक देता हूँ, और सामने वाले जो है भाई मेरे ऊपर मिनट नहीं लगाते भाई गोलियां बरसाने में। अब उन्होंने मेरे ऊपर गोलियां बरसा दी थी तो मुझे हीलिंग वगैरह करना था, और ये बंदा देखो भाई सबसे पहले इसे ही नोक करूंगा जो शक्ल से दिखा रहा ना अपनी मनहूस सी। अब इस बंदे को मैंने नोक कर दिया था, पर भाई नोक करने से कुछ नहीं हुआ, ये बंदा दोबारा रिवाइव हो गया। टैक के अंदर वाला नोक है, गलती लाइक यहाँ पे मेरी थी क्योंकि मैंने बहुत देर लगा दिया था इन बंदों पे पुश करने में। पर लास्ट में भी जो है भाई ये बंदे एक दूसरे का हिलाते हुए यार थे एक दूसरे के पीछे, तो इन्हें मारना बहुत ज्यादा ईजी था। अब यहाँ पे भाई मेरा टीममेट बिल्कुल उनकी पेट्टी छोड़ ही नहीं रहा, बिल्कुल फेविकोल की तरह चिपक गया था। अब मैं यहाँ पे हीलिंग वगैरह करता हूँ, इन बंदों की गाड़ी उठाता हूँ और चलते हैं भाई दूसरे बंदे ढूंढने। पर जब हम दूसरे बंदे ढूंढने जा रहे थे ना तो हमें एक ऐसा कैंपर मिलता है जो कि भाई हमारे आगे ही सांप बन रहा था। अब वो हमारे आगे सांप बना, उसके साथ हमने क्या सीन करा तुम खुद देखो। यार सीरियसली मतलब घड़ी से कुचल के मारने में भाई एक अलग ही लेवल का मजा है। मतलब तुम्हें भाई गन गुनबिन निकालनी पड़ती, सामने बंदा तुम्हारे सांप बना हुआ, एकदम गाड़ी चढ़ाओ और मतलब कुचल दो भाई। अब ये जो दो बंदे भाई यूएस लेके आए ना, इनकी मौत भी मतलब देखने लायक है। यहाँ पे मैंने इनके बहुत ज्यादा डैमेज दिया था और ये बंदे भाई बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गए तो भागने लगे एकदम। अब एक तो मेरा टीममेट बेटी चोद, ऊपर से भाई ये एनिमी बेटी चोद, मतलब गोल गोल घुमाए जा रहे हैं यहाँ भाई, क्या चल रहा हो। अब एक बंदे को तो भाई मैंने गाड़ी में बैठे बैठे नॉक कर दिया था। अब बारी थी उसके दूसरे टीममेट की, पर मैं जैसे ही पुश करने जाता हूँ भाई यहाँ पे गेट पे गाड़ी अड़ी पड़ी थी हराम खोर कहीं की, और भाई मैं निकल भी नहीं पा रहा था।
पर थोड़ी देर बाद ये बंदा मुझे कहता है कि नहीं भाई तुम मत आओ, मैं ही आ रहा तुम्हारे पास और तुम मेरी मार लो, तुम्हें आने की कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब मुझे मार दो। अभी तक जो है भाई मेरे 19 किलो हो चुके थे और बंदे सिर्फ दो ही बच रहे थे। यहाँ पे वो दो बंदे हमें मिल जाते हैं इस कंपाउंड में। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक भाई नेड फेंक देता हूँ। और नेड में जो है एक बंदा इजीली नॉक हो जाता है, दूसरा टीममेट भाई उसका वैसे ही पैनिक हो गया था, उसे मारना वैसे ही आसान था। तो होप सो गाइस तुम्हारा आज के लिए गेम प्ले वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर लेवल आई कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। और ये मेरा इंस्टाग्राम, यहाँ पे आ गए तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। और अपडेट्स के लिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड पीस आउट। Ding-gong.